नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में पूरे हफ्ते सुस्त रहा और ये मैं आई थिंक थर्ड वीडियो है मेरी कंटिन्यू जहां पे मैंने सेम लाइन यूज करी है, बट एक्चुअली में यही सच्चाई है तो बार बार यूज करने में कोई हर्ज नहीं है। और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहा, और स्टॉक स्पेसिफिक भी अगर आप कहीं पर्टिकुलर जगह मेरे से पूछो ना तो आई थिंक मैं डिस्क्राइब कर नहीं पाऊंगा कि कौन से सेक्टर या कौन से स्टॉक में रहा। हर दिन का खिलाड़ी एक नया खिलाड़ी था, लेकिन कुछ स्टॉक्स थे जो बीते कुछ समय से कंटिन्यू आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और उनमें एक स्टॉक था नाइका, जो कि आज भी लगभग 7.7% बढ़कर बंद हुआ है। इसमें एक ब्लॉक डील भी हुई 851 करोड़ रुपीस की, प्री ओपनिंग विंडो में ही हो गई थी। अराउंड ये लॉक इन पीरियड था 45 दिन का, तो कल जब ये अपडेट आई थी तब भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 6% डिस्काउंट में ये सौदा हो सकता है 198 रुपीस के समथिंग, और अगर ये स्टॉक 198 पे आता है तो आपको बिना सोचे समझे खरीदना है। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था कि 193 मेरे पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस है, जो ब्रेक करेगा मैं एग्जिट कर दूंगा, 5 रुपये का मैक्सिमम लेवल पे मेरी जेब से जाएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट आया तो मेरा पहला टारगेट 235 का था, जहाँ ये स्टॉक धीरे धीरे जाने की तैयारी में है और उसी तरफ जा रहा है। मैं अपने व्यूअर्स से इस वीडियो के माध्यम से यही कहूंगा कि आप इसको बेचने की जल्दबाजी मत करना, और मैंने दिन के दौरान एक वीडियो पर्टिकुलर बनाई थी इस स्टॉक पे। सेकंड स्टॉक अगर आप देखें तो एक CDSL था, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, ये एक आउट परफॉर्मर रहा है। आज इस स्टॉक ने आपको एक शानदार तेजी दिखाई, दिन के दौरान लगभग 13-15% तक ऊपर चला गया था, आई थिंक 14% तक ऊपर गया था, एट द एंड थोड़ी करेक्शन आ गई ऊपर से और 8.25% बढ़कर बंद हुआ है। अगर मैं लेवल्स के अकॉर्डिंग बात करूं, 1664 रुपीज के लेवल्स का स्टॉक ने हाई दिखाया, 1568 पे क्लोजिंग आई है, ऊपर से ऑलमोस्ट 100 रुपीज नीचे बंद हुआ है और आज इस शेयर ने अपना लाइफ हाई हिट कर दिया है। आज ये स्टॉक एक्स बोनस ट्रेड कर रहा था, बोनस था एक्स बोनस 1:1, यानी कि अगर कल आपके पास एक शेयर था इस शेयर का तो अब 2 शेयर हो जाएंगे। हाँ, आज वो शेयर आपकी पोर्टफोलियो में तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आने वाले 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑटोमेटिकली आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। एक बहुत ही प्यारा कमेंट आया था जब मैंने सुबह वीडियो बनाई थी कि ये बोनस के चलते स्टॉक आपको सस्ता दिख रहा है, और सारी डिटेल शेयर करी थी। मैंने कहा अभी भी अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं दिन के दौरान किसी वीडियो में जरूर आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। उनका कमेंट था, भाई ये जब कोई फायदा नहीं होता तो बोनस कंपनी क्यों देती है, इससे क्या होता है, और क्या कोई बोनस का नेगेटिव पॉइंट होता है? तो सबसे पहले क्यों देती है, ताकि स्टॉक का प्राइस अफोर्डेबल बना रहे। एक एग्जांपल सबसे अच्छा बाजार में यही हो सकता है, MRF है। आप अगर टायर स्टॉक में निवेश करना चाहो तो MRF नहीं लोगे, आप JK टायर ले लोगे, CEAT ले लोगे, BKT ले लोगे, अपोलो ले लोगे, लेकिन MRF की तरफ आप नजर भी उठा के नहीं देखोगे। 1.5 लाख रुपए का शेयर है, कौन लेगा उसे, छोटा रिटेल इन्वेस्टर तो नहीं ले पाएगा। ठीक है, यही एक रीजन है कि कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट बोनस देती रहती है टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से स्टॉक का प्राइस अफोर्डेबल बना रहता है। एग्जांपल ग्रुप में अगर मैं CDSL की ही बात करूं, आज ये अगर बोनस नहीं हुआ होता तो ये स्टॉक का भाव आपके लिए 3100 रुपए के पार हो गया है। अब 3100 रुपए का शेयर खरीदना आसान रहेगा या 1570 का? 1570 का, इसलिए। और स्प्लिट आप एक समय सीमा तक ही कर सकते हो, अगर 1 की फेस वैल्यू पे आपका शेयर आ जाता है तो फिर स्प्लिट नहीं होगा, वो फिर आपको बोनस ही देना पड़ता है। तो ये आपके लिए बोनस क्यों देती है कंपनी और इससे क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब बोनस का क्या कोई नेगेटिव पॉइंट भी होता है? दोस्तों, बोनस का कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है, स्प्लिट का हो सकता है। स्प्लिट केवल और केवल आपको फंसाने के लिए भी करती हैं कुछ कंपनियां, छोटी कंपनियां स्पेशली। मान के चलो 10 रुपये का भाव है, अब स्प्लिट कर रहे हो, 10 रुपये का तो पहले ही सस्ता है, इससे ज़्यादा अफोर्डेबल क्या लोगे? और स्प्लिट कोई भी कर सकता है अगर उसकी 1 से ज़्यादा फेस वैल्यू है। बोनस के लिए क्राइटेरिया है, कैश फ्लो होना चाहिए पॉजिटिव, बैलेंस शीट अच्छी होना चाहिए, वहीं स्प्लिट कोई भी कर सकता है अगर फेस वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो इसीलिए कभी भी स्प्लिट हो और बोनस हो तो हमेशा बोनस पे तवज्जो देना, बोनस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। और दूसरी बात, स्प्लिट और बोनस अगर छोटे प्राइस के शेयर कर रहे हैं तो प्लीज उनसे थोड़ा सा अवेयर रहिए। फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए से सस्ता शेयर है, वो बोनस या स्प्लिट कर रहा है तो दूर रहो, क्योंकि फिर वो एक तरीके से क्या है, वो ट्रैपिंग टाइप है, अफोर्डेबल बनाने के लिए होता है। वो ऑलरेडी अफोर्डेबल को क्या ही अफोर्डेबल बनाओगे। ठीक है, तो एक ये स्टॉक था जो काफी एक्शन में था। एक था दोस्तों PCBL, फ्लिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड, ये भी भाई साहब बहुत तेज भागा है बीते कुछ समय में, डबलर हो गया ऑलमोस्ट, 500 रुपए का भाव आज इस स्टॉक ने दिखा दिया है आपको, लगभग 10% बढ़कर बंद हुआ है। आज इस ग्रुप की ना इन्वेस्टर डे है पूरे के पूरे ग्रुप का, और ये स्टॉक
और इस ग्रुप की सारी कंपनियां ऑलमोस्ट रिसेंट डेज में काफी रनअप देते हुए दिखी हैं। तो एक ये स्टॉक भी था जो डेफिनेटली आपके रडार पे रहा होगा, जिसने अच्छा पैसा बना के दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज बड़ा एक्शन हुआ है। बाकी ऑटो इंडस्ट्री से आज जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट के बाद पूरे ऑटो स्टॉक्स में तेजी बनी है, स्पेशली टू व्हीलर्स में और स्पेशली बजाज ऑटो में। निफ्टी का टॉप गेनर भी रहा है, ये 5% बढ़ गया है और 5 डिजिट में भी आ चुका है, 10,444 रुपए का जिसने लाइफ हाई लगा दिया है, 5% बढ़कर बंद हुआ है। अब क्या कहा है जेपी मॉर्गन ने, वो मैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा डिटेल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।